औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हमने फ़ैसला किया है कि हम मार्केट से मुतालिक देर आर नंबर ऑफ़ इशूज़ जिनको हम चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, यानी बजट से लेकर और रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाला अटैक और कल के दिन जो ऑक्शन के रिजल्ट्स आए, इन सब का मार्केट पर कुछ ना कुछ इम्पेक्ट होना है। सो इन बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब शाहिद अली हबीब साहब को, जो कि आरिफ हबीब लिमिटेड के सीईओ हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सतीश, जो कि डायरेक्टर रिसर्च हैं इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज़ के। सो शाहिद साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सतीश, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो शाहिद साहब, पहले हम आपसे बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। आप सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ योर व्यू ऑन द बजट? बजट कितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट और स्टॉक ब्रोकर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरा? आई थिंक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और जो डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने जो वादा किया था कि कोई नए टैक्सेस नहीं होंगे, उस पर उन्होंने पूरा वो वादा पूरा हुआ है और कोई नए टैक्सेस नहीं हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अब हमारी ग्रोथ जो है वो बड़ी कम हो गई है। लास्ट ईयर की ग्रोथ भी -0.4% हुई, इस दफ़ा भी हम लोग कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जैसे 2.1% की ग्रोथ रेट है। तो बजट में इन्होंने टैक्सेस कम रखे हैं टू रिवाइव द इंडस्ट्रीज, टू रिवाइव द प्रोडक्टिविटी, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे मेजर्स भी लिए हैं। इन्होंने जो इम्पोर्ट लेवल पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, उसकी उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज उस पर कम कर दी है, और एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी कम करी है। तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। तो इसमें थोड़े से ऐसे मेजर्स किए गए हैं जिसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है उसमें ये मदद देगी, और उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है इन्होंने कम करी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर मेरा ख्याल से बजट में किया गया है, और एडिशनल कोई भी टैक्सेस नहीं किए गए। तो शाहिद साहब, ये भी बताइए कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड कौन से मुतालबात हैं जो इस दफ़ा एक्सेप्ट किए गए, सीजीटी से लेकर? वो कौन सी चीज़ें हैं जो कैपिटल मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, बहुत सारे लोग तो ये भी बात कर रहे हैं कि टैक्स नया तो कोई भी नहीं लगा, लेकिन अच्छा होमवर्क किया था मिनिस्टर साहब ने, एडवाइज़र साहब ने, बग़ैर नया टैक्स लगाए टैक्सेस में इजाफा ठीक ठाक हो गया। बहरहाल, जो इनकम फ्रॉम टैक्सेस हैं उसका नंबर भी बढ़ गया है। बट स्पेसिफिक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, व्हाट आर द कैपिटल मार्केट रिलेटेड रिलीफ्स दैट वी हैव सॉर्ट आउट फ्रॉम दिस बजट? आई थिंक आपकी बात सही है कि कुछ प्रपोजल्स थे हमारे कि जिसमें कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर और डिविडेंड के ऊपर जो है वो कम करने थे, लेकिन बजट में, जैसे आपको पता है कि बजट में इनके पास इन्होंने एफपीआर के रेवेन्यूज भी बढ़ाए हैं, 27% टारगेट भी बढ़ाया है, और उनको एडिशनल टैक्सेस भी नहीं लगाने थे। अब इस मामला में कहीं पे अगर टैक्सेस कम किए जाएँ, मेरा ख्याल से ये इनके लिए जो है वो वायबल नहीं था और इनके लिए बहुत ही मुश्किल था। इवन ये सिम्बॉलिक भी अगर करते हैं तो बड़ा अजीब सा मैसेज जाता दूसरी सेक्टर को कि आपने कैपिटल मार्केट के लिए किया। तो मेरे ख्याल से ये बजट जो है, इस पर हमारे प्रपोजल्स तो थे, लेकिन हमारी जो है एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कोई कि कैपिटल गेन टैक्स भी कम होगा या डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी कम होगा। कुछ एनोमलीज जो है उन्होंने ख़त्म कर दी हैं, उन्होंने कम कर दी हैं बाद में भी, सिक्योरिटीज एक्ट में और जो है फाइनेंस बिल में, कि जो सिक्योरिटीज़ की डेफिनेशन है वो उन्होंने सही कर दी है। अब आईपीओ में कोई भी कंपनी आएगी उनको, और अगर वो अपना शेयर डाइवेस्ट करते हैं तो उनको वही लिस्टेड कंपनीज के जो कैपिटल गेन टैक्स है वही लगेगा। पहले ये नहीं था, पहले ज़्यादा टैक्स था उसके ऊपर, वो एक नॉर्मल टैक्स रिजीम में था। ओके, तो यहाँ उन्होंने बेहतरी की। ग्रेट, थैंक यू। आपकी इजाज़त से मैं सतीश से एक सवाल पूछना चाहूँगा, और फिर मैं चाहूँगा कि आप भी उसके ऊपर अपना व्यू दें। सतीश, ये 2017 में जब अपग्रेड हो गया, 16 में डिसीशन हो गया MSCI का, उसके बाद से वी आर सीइंग के पाकिस्तान में से मुसलसल आउटफ्लोज हो रहे हैं। बिल्कुल, ये जो डे बिफोर यस्टरडे का जो इंसिडेंट है, एक बड़ा वाकया है, इसके बाद आउटफ्लोज की क्या पोजीशन है, फॉरेनर्स का इंटरेस्ट उसको फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं, और ज़रा कवर कीजिएगा कि इस वाकये ने एज सच
फॉरेनर्स के कॉन्फिडेंस को कितना शैटर किया है? थैंक यू सानी फॉर इनवाइटिंग मी ओवर. मेरा असल में इसमें कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो MSCI के अपग्रेड के बाद कंटिन्यूसली हमारे पास सेलिंग चलती आ रही है पिछले 3 साल से, तीसरा फिस्कल ईयर हमारा परसों ख़त्म हुआ है, उसमें कंटिन्यूस सेलिंग थी हमारे पास फॉरनर की तरफ से. और मेरी इस पर रीडिंग ये है कि इट वॉज पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम बैक देन. आर करेंसी वॉज ओवर वैल्यूड, आर मार्केट वॉज एट अ हायर मल्टीपल, हमारा फ्रंटियर से डिस्काउंट काफ़ी कम हो गया था, एमर्जिंग मार्केट से हमारा पी डिस्काउंट काफ़ी कम हो गया था. तो इट वॉज़ अ पाकिस्तान स्पेसिफिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से शायद हमारे पास पहला साल, पहला फिस्कल ईयर FY18 में आप कह सकते हैं कि फॉरेन सेलिंग थी, और जब भी मार्केट में मतलब कंटिन्यूस सेलिंग थी. उसके बाद से वॉट एवर वी हैव बीन सीइंग या चीज़ें जो अभी रिसेंटली हुई हैं पोस्ट कोविड, वो उसमें मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि ये काफ़ी मैक्रो ड्रिवन एनवायरनमेंट की वजह से भी है. इमर्जिंग मार्केट्स में ग्लोबली काफ़ी सेल ऑफ है, फॉरनर्स US की तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्क्यू हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स कम होने के बावजूद इमर्जिंग मार्केट्स में इतने फ्लोज अभी तक नहीं आए हैं. तो प्रॉब्ली रिस्क एपिटाइट जो है वो इन्वेस्टर्स की कम है. और दूसरा जो एक मेजर रीज़न वो ये भी है कि शायद इंडेक्स कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं कि हमारे पास पाकिस्तान या रीजन में जो कंट्रीज़ हैं उनमें ऐसी कंपनी ज़्यादा लिस्टेड हैं जो कि डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग या ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ हैं जो कि बेसिक लेवल की स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बेसिक लेवल के प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं. कंपेयर टू दैट रीजनल मार्केट्स में या इंटरनेशनल मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स में टेक्नोलॉजी स्टॉक ज़्यादा हैं और मेनली वही रैली कर रहे हैं. तो प्रॉब्ली दैट इज़ मोर ऑफ रीज़न जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो अभी भी कंसिस्टेंट फ्लो है. इस इवेंट के हवाले से बस एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि इवेंट डेफिनेटली एक अनफॉर्चुनेट इवेंट था, एंड फॉर्चुनेटली जो डैमेज है वो काफ़ी हद तक हमारी फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका और उसको कंट्रोल भी किया. तो प्रॉब्ली फॉरेनर सेंटिमेंट तो डेफिनेटली एक फेयर तो एक है, बट शायद इस तरह अगर मैं देखूं इसको कि अब जो हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट रह गई है फॉरेनर्स की, वो शायद बहुत कम रह गई है. तो यहाँ से आगे फर्दर सेल ऑफ मुश्किल है. हाँ, डेफिनेटली कन्विंस करना किसी फॉरेन फंड को टू इन्वेस्ट फर्दर इनटू पाकिस्तान या एक्टिव इन्वेस्टर्स को परसू करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा या ट्रिकी ज़रूर होगा इन हालात में, कंसिडरिंग कोविड भी है और सिक्योरिटी सिचुएशन पे डेफिनेटली कुछ स्केप्टिसिज्म हो सकता है. ओके, शाही साहब आप फरमाइएगा कि आपके ख्याल में फॉरेनर्स का रिस्पांस कैसा रहेगा और क्या इस इवेंट से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो शेटर होगा, उससे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अच्छा, मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है. मेरे ख्याल से उनका कॉन्फिडेंस तो और बढ़ेगा इस इवेंट के बाद, क्योंकि इस इवेंट को जिस तरह मैनेज किया गया है, देखें टेररिस्ट एक्टिविटी तो कहीं पे भी नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स कहीं पे भी आएंगे तो वो तो इस तरीके से ही सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, और उनका तो ऑब्जेक्टिव यही होता है कि पूरा खत्म कर देना. और इसको जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने, उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान देकर जो है उन्होंने सिर्फ 8 मिनट के अंदर 4 टेररिस्ट जो है उनको मार दिया, और उनको और 1 मिनट भी हमारी मार्केट बंद नहीं हुई, हमारा बिल्कुल बिजनेस इन ऑर्डर रहा. वो 3rd गेट के अंदर दाखिल होते हुए आखिरी टेररिस्ट अटैकर को हमने मार दिया. तो माशाल्लाह से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी 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 पुलिस और हमारी रेंजर्स की एबिलिटीज को देख के तो ये एक मिसाली जो है वो हमारी जिस तरीके से हमने मैनेज किया वो देखा जाएगा, और हमारी पूरी दुनिया जो है इस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई होगी कि किस तरीके से हमने अपने मेजर इंस्टीट्यूशंस को हम मैनेज कर रहे हैं. मेरे ख्याल से तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा कि इन्होंने इनको मैनेज करने के तरीके और ये कितने एबिलिटी है इनकी और कितने तैयार हैं इस तरीके की अनफोर्सीन सिचुएशन को मैनेज करने का. तो मेरे ख्याल से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखेगा, और बहुत ही उनको पता है कि हम जिस सिचुएशन में हैं और हमारे जो कंडीशन, हम वैसे ही हमारी प्राइस एंडिंग मल्टीपल और हमारा डिस्काउंट इतना ज़्यादा है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन है, और अब ये कॉन्फिडेंस फॉरिनर्स को अगर आ जाए कि हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और हम तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा मेरे ख्याल. राइट, आप बताइएगा कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का कि वी वर बेटर ऑफ
when we were in the frontier markets. Do you share this view? I think yes, मैं इस बात में तो शायद साहब से बिल्कुल agree करूँगा कि देखें portfolio manager के अगर हम perspective से देखें तो उसके लिए उसको alpha बनाना है. तो अगर किसी asset अगर हम उसके लिए बाकी सारी markets को as a security देख लें तो उसके लिए तीन चार basis अगर किसी चीज़ का weight है तो उस चीज़ को वो तभी देखेगा जब कोई बहुत exorbitant या कोई extraordinary चीज़ हो. बट उसमें भी ignore करने की probability ज़्यादा होती है क्योंकि आप tracking error में ignore कर देते हैं. Even passive funds के लिए 10 bips तक तो शायद वो ignore कर देते हैं. हमारे पास जो passive funds भी आ रहे होते हैं वो इसलिए आ रहे होते हैं क्योंकि हमारे स्टॉक्स की लिक्विडिटी अभी भी जो स्टॉक्स हमारे मेन एमर्जिंग इंडेक्स में आते हैं उनकी लिक्विडिटी अभी भी डिसेंट है. तो शायद उस वजह से उनमें हमें फ्लोज मिल जाते हैं. एमर्जिंग मार्केट्स में आई थिंक रहना डेफिनेटली आई थिंक हमारे लिए नेगेटिव ही साबित हुआ अभी तक तो. और फ्रंटियर में अगर हम वापस चले जाएँ तो शायद हमारा 5 से 6% अभी भी वेटेज होगा डिस्पाइट के क्योंकि उन मार्केट्स में भी कुछ और एमर्जिंग से निकल के बड़ी मार्केट्स गई हैं तो हमारा वेटेज कम तो हो जाएगा. बट आई फील के उसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो 5 to 6% वेट तो डेफिनेटली हमारा फ्रंटियर में भी होगा. सो दैट कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फ्लोज ऑन द पैसिव एज वेल एज एक्टिव फ्रंट. बात सही है आपकी. विद 4 basis points वी रियली डजन हम मैटर ही नहीं करते. सो इफ वी आर अबव 5% वी विल स्टार्ट मैटरिंग टू द फंड मैनेजर्स. इंडीड इंडीड. राइट सतीश मुझे ज़रा बताएं ये कल के रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं ऑक्शन के रिजल्ट्स को. वुड इट bring some infos to the market. देखें जो जो ऑक्शन के जो रिजल्ट्स जो पिछले अगर आप पिछले जून के महीने में जितने भी ऑक्शंस हुए हैं 2 ऑक्शन हुए हैं टी बिल के भी देख लें पीआईबी के भी देख लें तो मिनिस्ट्री एक यील्ड कर्व सेट कर रही है. अगर आप उस तरह देखें या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंडिकेशंस देखें तो लास्ट टी बिल ऑक्शन में आपके पास बिलो 7% बिलो पॉलिसी रेट इंटरेस्ट था 1 ईयर के पेपर तक. उसके बाद जब आप 3 ईयर एंड अबव जाते हैं तो वो 8, 8.5, 9 और eventually 20 ईयर पेपर में भी मिनिस्ट्री ने दिए हैं इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट की है और वो भी 10.5% पे. दैट मीन्स के आज से अगर 4-5 महीने पहले आप चले जाएं तो लोगों को एक्सपेक्टेशन तो थी कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने हैं तो वो चीज़ यील्ड कर्व में इस तरह प्राइस इन हो रही थी कि स्प्रेड्स काफ़ी नेगेटिव थे. लॉन्गर टेन्योर की यील्ड नीचे थी और शॉर्टर टेन्योर में यील्ड ज़्यादा थी. अब वो आपको एक मैच्योरिटी रिस्क रिवॉर्ड एक पैटर्न बन गया है जो कि मार्केट में यील्ड में भी नज़र आ रहा है आपको. तो अब आप जब ज़्यादा होराइजन पर रिस्क लेते हैं तो आपको रिटर्न ज़्यादा दे रही है यील्ड कर्व में वो चीज़ एक प्राइस इन हो रही है. Having said that, 7% policy rate is too attractive to appeal for equity investors. हमारे पास capital market में I think ये shift आएगा कि जो लोग जिनकी risk appetite थोड़ी ज़्यादा है वो equities में move करेंगे. ख़ास तौर पर dividend yielding stocks, fertilizer stocks में interest आ सकता है. मेरा अपना ज़ाती opinion ये है कि या हमारे house के भी जो reports में आप देखेंगे हम यही पिच कर रहे होते हैं कि डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा क्योंकि इस एनवायरनमेंट में ग्रोथ पे बेट शायद लोग कम लें सिलेक्टिव प्लेस ज़्यादा लोग परसू कर रहे होंगे. तो उस एनवायरनमेंट में आपके पास अगर कोई स्टेबल बिजनेस हो जिसकी अर्निंग सर्टेनिटी हो तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट फ्लो ज़्यादा मिलेंगे. और फिक्स इनकम फंड्स भी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे वो भी काफ़ी हद तक शिफ्ट कर रहे होंगे ग्रेजुअली फ्रॉम फिक्स इनकम टू इक्विटीज़. तो वो भी एक मतलब उनके इन्वेस्टर्स की का भी एक इंटरेस्ट होगा कि क्योंकि फिक्स इनकम में रिटर्न इन मैटर ऑफ टाइम हाफ हो गया रफली. मतलब एक महीना पहले अगर 13.25 2 महीने पहले मिल रहा था आपको वो अब आपको 7% की रेंज में मिल रहा है. तो डेफिनेटली देर इज़ एन इंसेंटिव टू मूव योर फंड्स टू इक्विटीज़. सतीश मुझे ब्रेक लेना है. ब्रेक का वक्त हो गया. वी विल ओनली टेक 30 seconds ब्रेक. विल कम बैक. शाह साहब प्लीज स्टे विद अस. वी विल टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक नाजी. वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे सतीश से इन रिलेशन टू द स्टॉक्स जो कि बच गए हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं डिफॉल्ट स्टॉक्स को छोड़ने के बाद. टेक्नोलॉजी, फार्मा और इंटरटेनमेंट. सो फार्मा सेक्टर में वी वर आस्किंग कि कोई ऐसा स्टॉक है कि जिसको इन हालात में आप कह सकें कि यस इसकी तरफ देखना चाहिए या फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है गिवन COVID-19 उसमें पोटेंशियल है. अच्छा देखें उसमें मैं यही अर्ज कर रहा था कि अगर हम फार्मा सेक्टर को देखें तो पोस्ट कोविड वैल्यूएशंस काफ़ी जल्दी अनलॉक हुई हैं. पिछले साल का भी अगर हम देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर FY20 का जुलाई टू जून अगर हम ईयर कंपेयर करें तो फार्मा सेक्टर था. 55% सेक्टर का रिटर्न था. तो उस पर्सपेक्टिव से आई थिंक बहुत ज़्यादा शायद
वैल्यूएशन अपसाइड नहीं है, बट यस ग्रोथ वाले पोटेंशियल पे देखे जा सकते हैं. बट आई थिंक एक चीज़ और जो कि शायद फार्मा सेक्टर की वैल्यूएशन में इग्नोर हो रही है वो ये है कि ओवर द ईयर्स जो है वो कभी सप्लाई चेन के इतने प्रॉब्लम्स नहीं हुए, या फिर एक स्टैंडर्ड वे ऑफ प्रोसेस था, उनका काम करने का तरीका था थ्रू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, डॉक्टर्स के पास जो ओपीडीज, छोटी छोटी ओपीडीज हैं उनके थ्रू दे यूज टू सेल, वो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई हैं. तो फार्माज में भी बैलेंसिंग एक्ट होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो क्लियर कट आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगी. बट येस आई थिंक सेक्टर है जिसकी प्राइसिंग जो है वो इन्फ्लेशन लिंक्ड है, तो आपको नॉमिनल इन्फ्लेशन की पेस पे जो है वो प्राइस इंक्रीज मिलता रहता है और वॉल्यूम्स भी बढ़ते रहते हैं, बिकॉज इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक पाकिस्तान या जिस तरह के हमारे डेमोग्राफिक्स हैं. स्पेसिफिक सिचुएशन COVID-19 में आपको नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ही एबनॉर्मल सी ग्रोथ हो सकती है? देखें एबनॉर्मल ग्रोथ तब होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ बिल्कुल हो सकती है, उस प्रोबेबिलिटी की वजह से ही शायद सेक्टर इतना परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक परफॉर्म करेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि सेक्टर में कोई डिप आएगा, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि देर जो इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था या जो एक पुराने जो बिजनेस का स्टेटस को था वो भी किसी हद तक चैलेंज हुआ है. तो जो कंपनी अडॉप्ट कर लेगी वो स्टॉक ज़्यादा आउट परफॉर्म कर जाएगा, जो कंपनी शायद पुराने तरीके से बिल्कुल ऑपरेट कर रही थी या सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग सॉर्ट ऑफ कंपनी थी जिसके बाद मार्केटिंग एबिलिटी कम थी, वो कंपनीज डेफिनेटली स्ट्रगल कर सकती हैं. राइट, सो इन कोविड आई थिंक हमें इस तरह की चीज़ें देखनी चाहिए. मुझे शाहिद साहब का व्यू लेने दें. शाहिद साहब ज़रा ये बताइएगा कि इन रिजल्ट्स को, जो ऑक्शंस के अभी रिजल्ट्स कल आए हैं, आपने कैसे देखा और मार्केट पर आपका क्या व्यू है? आर दे गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवर द मार्केट? मार्केट में इनफ्लोज आ सकते हैं? ये जो 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 ऑप्शन के रिजल्ट थे वो तो बड़े अच्छे रिजल्ट थे और बड़े पॉजिटिव थे. बिटवीन 50 टू 90 बेसिस पॉइंट जो है वो कमी हुई है बिटवीन 3 मंथ्स एंड 12 मंथ पेपर्स. तो ये तो जाहिर है जब मार्केट में जब वो इमरजेंट मीटिंग हुई स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी में और जो रेट कट हुआ वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और उसका जब ऑक्शन में उसका नजर आया कि मार्केट इवन अब तो 7% से भी नीचे जो है वो काइबोर भी हो गया है. नॉट ओनली पेपर्स तो 6.5 और 7.5 और 7 के करीब आ गए हैं बिटवीन 3 मंथ एंड 12 मंथ पेपर, बल्कि काइबोर भी नीचे आ गया है. दिस इज वेरी पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव फॉर द इक्विटी मार्केट, फॉर द इक्विटी एसेट क्लास. और इसमें जाहिर है जैसे सतीश ने कहा कि तकरीबन 2 महीने के अंदर 13% से 7% हो जाना डिस्काउंट रेट, इसकी वजह से जाहिर है एक बहुत ही अच्छी जो है वो सपोर्ट मिलेगा सारे बिजनेसेस को, सारे हाई लेवरेज जितने भी सेक्टर्स हैं और जितने भी कंपनीज हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा. और जो स्टेट बैंक का एक दूसरा मेजर है जिसमें उन्होंने डेट मोरेटोरियम कर दिया है कि 1 साल तक जो है उनको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो जो फाइनेंशियल सपोर्ट जितना हो सकता था मेरे ख्याल से पिछले 2 महीने में दिया गया है COVID-19 का, जितना भी एक हमारे जैसे गरीब मुल्क में जितना भी किया जा सकता है मेरे ख्याल से किया गया है. और इसमें मेरे ख्याल से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए. सीमेंट सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, जिनकी लेवरेज बहुत ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितने भी कंपनीज हैं उनके भी लेवरेज थोड़े ज़्यादा है, तो उनको आधे का डिस्काउंट रेट हो गया है, आधे की बोरिंग रेट हो गई है, जिसका एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा. न सिर्फ ये बल्कि अब इन्वेस्टर्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं रहा. अब वो फिक्स इनकम में उनको वो यील्ड नहीं मिलती, वो अगर 5.5 या 4.5% अगर फिक्स इनकम में उनका रिटर्न मिलेगा वो 12-15% एक्विटी रिटर्न के मुकाबले में बहुत ही कम है. तो अब म्यूचुअल फंड के पास और इंश्योरेंस के पास जो है वो इतने एवेन्यू नहीं, इतना कोई मेरिट नहीं है कि वो अपने फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स को ज़्यादा बेचें. वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्विटी को बेचेंगे और एक्विटी की तरफ मूव करेंगे. मैं आपको एक इसकी मिसाल से दे देता हूँ कि अभी अराउंड 750 से 850 बिलियन का टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है म्यूचुअल फंड के अंदर. ओके. और इसमें कोई अराउंड 22-23% जो है वो एक्विटीज में है और बाकी फिक्स इनकम में है. तो अगर ये थोड़ा सा भी मूव होता है, अगर ये एक्विटीज जो है 23% से 27% तक चले जाते हैं तो तकरीबन हमने कैलकुलेट किया था तकरीबन 35 बिलियन का इनफ्लो होगा हमारी मार्केट में.
इसी तरीके से इंश्योरेंस जो है वो सवा 300 बिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट है अगर हम स्टेट लाइफ को हटा दें तो उसमें भी 20-22% एक्विटीज है और बाकी फिक्स इनकम है तो थोड़ा सा भी पैसा फिक्स इनकम से अगर मूव होता है एक्विटीज की तरफ तो वहां से भी 15-20 बिलियन रुपीज वहां से आएंगे। इसी तरीके से बैंक को भी अपना एक्सपोजर बढ़ाना है तो अराउंड 50-60 बिलियन रुपीज पोटेंशियल जो है अमंग दीज हाई इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारी मार्केट में आ सकते हैं, लार्ज इंस्टीट्यूशंस जो है वो मार्केट में आ सकते हैं और ये हमारी मार्केट का ट्रेडेड वैल्यू जो है वो तकरीबन 5 बिलियन से ज्यादा नहीं होता, 5.5। तो आप ये एस्टिमेट करें कि अगर ओवर द ईयर ग्रेजुअली अगर ये सारे पैसे मार्केट में आते हैं और मार्केट का ट्रेडेड वैल्यू भी इतना नहीं है तो मार्केट में अपसाइड होने की कितनी गुंजाइश है। ओके सो सतीश सर आप मुझे बताएं कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है, क्या दोबारा से हम कोई बड़ी रैली देख सकते हैं कि जी 20,000 पॉइंट बढ़ गए, हमने 45,000 का लेवल देख लिया? कैन यू देखें, मेरा ख्याल है बिल्कुल पोटेंशियल है, मार्केट का पोटेंशियल तो काफ़ी हद तक है। वो ड्राइव जो आई थिंक यहाँ से चीज़ें करेंगी वो यही है कि आपके इंटरेस्ट रेट्स तो लो हैं तो एवेन्यूज़ तो लोगों के पास कम है, जैसे शायद साहब ने कहा आई थिंक वो एक कंपल्जन तो होगी या कंपेलिंग अपॉर्चुनिटी तो है उसमें ज़्यादा। जो एक कह सकते हैं कि पुराने हाइज टेस्ट करने के लिए आपको रिफॉर्म्स वापस किस पेस पे गवर्नमेंट करती है, सर्कुलर डेट क्लियरेंस कितनी पेस पे होती है, बिकॉज आपके मेन दो ENP स्टॉक्स OGDC PPL दे आर स्टक इन सर्कुलर डेट, तो उनको अगर आप उनके अगर रिसीवर्स क्लियर होते हैं वो फर्दर केपेक्स करते हैं, जैसे PPL ने एक ऑयल एंड गैस का भी रिसेंटली एक वेबिनार था लोकल लेवल पे ICAP ने करवाया था, उसमें PPL के MD यही कह रहे थे कि अगर हमें सर्कुलर डेट में अगर हमारे पैसे ना फंसे तो हम ज़्यादा फास्ट पेस पे नई गैस फील्ड्स डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ग्रोथ एवेन्यूज ओपन अप कर सकती है। IPPs का एक डिस्कशन गवर्नमेंट से नेगोशिएशन चल रहा है, अगर विद इन नेक्स्ट 6-8 मंथ्स अगर वो चीज़ क्लियर हो जाती है, अगर हम चीज़ें थ्रू कर जाते हैं और कोई एक नेगोशिएशन एक कंक्लूडिंग पार्ट पे आ जाता है कि काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है और उनकी कैपेसिटी पेमेंट ड्यू है, तो अगर कोई ऐसा मिड ऑफ द वे अगर कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट आउट ऑफ द बॉक्स निकाल लेती है तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द किकर जो कि फंडामेंटली चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ड्राइव कर सकता है। क्योंकि देखें PE पे चीज़ें डिस्काउंट पे इसलिए हैं कि ये कैश फ्लो टर्म्स में नहीं है, जिस दिन ये कैश फ्लो टर्म्स में प्रोबेबिलिटी भी लगेगी तो शायद आपकी मार्केट का 2 नॉच मल्टीपल ऊपर होगा। सो दिस इज़ वॉट आई फील के एटलीस्ट इन चीज़ों की ज़रूरत है बैंक्स में। एज वी डिस्कस के शायद अच्छी बात ये हुई है पिछले 2 साल में UBL HBL बड़े बैंक्स हैं हमारे, दे वर इनकरिंग लॉसेज ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट, उन्होंने कंसॉलिडेट बहुत किया है। HBL के अभी यहाँ से आगे कॉस्ट गिरनी है, UBL वैसे ही कंसॉलिडेट कर रहा था, लास्ट क्वार्टर कॉस्ट टू इनकम एज पर मैनेजमेंट 43% था, तो वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ से फर्दर इम्प्रूव ही हो सकती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से शायद डाउनसाइड बहुत लिमिटेड है और अगर अपसाइड देखें तो ये फंडामेंटल अगर चीज़ें होना शुरू हो जाएँ तो आई थिंक मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दे सकती है। देखिए मेरा आप दोनों से एक सवाल है कि इंडेक्स में 22-24% बैंक्स का है बिल्कुल, और जो ऑयल है वो है 12-14%। अब हम मार्केट लेवल पर ग्रोथ की बात कर रहे हैं और ऑयल एंड गैस का आपने ख़ुद बता दिया, सर्कुलर डेट का आपने ख़ुद बता दिया, बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% पे आई थिंक रखना चाहिए, इससे नीचे जाना जो है माइट बी सुसाइडल। सो जब ये पोजीशन है आपका इंडेक्स जो है वो बैंक और ऑयल सेंट्रिक है और उसमें कुछ होने ही नहीं जा रहा, सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि कोई बड़ी रैली की बात कोई कर भी कैसे रहा है, मुझे ये समझाएं। शायद भाई आप पहले शायद भाई आप बताइए। हाँ मैं आपको बताता हूँ, देखें आपको याद होगा कि हमारे बैंक के प्राइस टू बुक जो है वो 2 टाइम्स भी होते थे, ठीक है ना, 1.8 टाइम्स टू 2 टाइम्स होते थे, 300-300 रुपए का अभी बैंक और UBL 270-260 का होता था और उस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 6.5% था, उस वक्त डिस्काउंट रेट 6.5% था। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर करनी होगी कि डिस्काउंट रेट का एक बार तो इम्पैक्ट होता है, जब आप नीचे आते हैं तो ठीक है जो भी उस वक्त जो है वो थोड़ा सा उनको जो है वो मैनेज करना होगा, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी तो कम हो जाएगी ना, उनकी अगर उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी कम है, उनकी लेंडिंग, उनको तो मार्जिन पे खेलना है, तो
तो एक तो मार्जिन उनका तकरीबन वही रहता है, ज्यादा कम नहीं होता ना ज्यादा बढ़ता है. अब तो कॉरिडोर बन गया है तो ना ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा कम होता है. तो जहां तक उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, वो तो उन्होंने सब लोगों ने अच्छे रेट पे लॉक इन कर दिए, क्योंकि स्टेट बैंक ने जो है वो जब डिस्काउंट रेट ज्यादा था 13.5% पे, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस हुए और जो है पीआईबी 3 साल के 5 साल के और 10 साल के पीआईबी जो है वो इशू किए गए, और बहुत सारी बड़ी बैंक ने और इवन मिड टीयर बैंक ने और सब ने अच्छे अच्छी साइज के पीआईबी जो है वो लॉन्गर टेनर के लिए हुए. 14% तो मुझे नहीं लगता कि उनके जो निम्स हैं वो इतने ज्यादा श्रिंक होंगे, उनके निम्स अच्छे ही रहेंगे. तो मुझे नहीं लगता कि डिस्काउंट रेट कम है तो बैंक की जो है वैल्यूएशन वो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई है. हमारी बैंक, जैसे सतीश ने कहा कि हमारी बैंक ने वैसे ही परफॉर्मेंस नहीं करी थी. हम अभी प्राइस टू बुक अगर हम देखें, लास्ट प्राइस बैंक की अगर प्राइस टू बुक देखें तो वी आर एट 0.6 और 0.7 टाइम्स, मे बी 0.5 टाइम्स भी कोई कोई है. तो इसमें अच्छी खासी बढ़ने की गुंजाइश है, इवन लार्ज कैप लार्ज रेटेड जो स्टॉक्स हैं उनकी भी. जैसे आपने कहा कि 20-22% जो है वो बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर में भी बढ़ने की गुंजाइश है. ऑयल एंड गैस अगर $20 से ऑयल जो है $41 पे आ गया और भी आगे भी जा सकता है और हो सकता है इधर भी रहे, और सर्कुलर डेट के मसले अगर हल होते हैं और उसके ऊपर तेजी से काम हो रहा है, और दो उस तेजी से हल मसले हल नहीं होगा जिस तेजी से काम हो रहा है, लेकिन अगर कुछ भी हल होता है तो उसमें उनकी वैल्यूएशन बेहतर होगी. और इसके अलावा साइक्लिकल सेक्टर जो हैं जिसमें डेट बहुत ज्यादा है, वो तो वैसे ही डिस्काउंटेड कम हो गया है, इनकी बोरिंग कॉस्ट कम हो गई है, तो सीमेंट और स्टील इवन फर्टिलाइजर सेक्टर वो भी अब लेवरेज सेक्टर हो गया है, फर्टिलाइजर भी, उनको भी एक फायदा होगा. तो ये जितने भी मेजर सेक्टर्स हैं हमारी मार्केट के, मुझे लगता है कि सारे के सारे परफॉर्म कर सकते हैं. जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है ना कि हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम हो गया है. पहले हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी इक्विटी में काम करता था वो 17-18% का वो रखता था, अब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 11-12% है. तो 11-12% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे तो हमारे जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जो मेजर लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें वैल्यूएशन की अच्छी खासी जो है वो गुंजाइश है. और मुझे लगता है कि ऑल ऑफ देम, ऑल द मेजर स्टॉक्स कैन परफॉर्म यू नो इन द नेक्स्ट वन ईयर. ओके, सो सतीश जरा आप बताइएगा कि यू स्टिल लुक फॉर अ मार्केट रैली और यू थिंक कि देयर कुड बी स्टॉक स्पेसिफिक. देखें, आई थिंक दोनों चीज़ें हैं. ब्रॉड बेस्ड रैली भी आपको मिल सकती है, बट अगेन वो सब्जेक्ट टू रिफॉर्म्स. आई वुड अगेन रिटेरेट कि वो सब्जेक्ट टू रिफॉर्म्स होगी. स्टॉक स्पेसिफिक शायद मूवमेंट आपको ज़्यादा स्टॉक सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी शायद हम तो ज़्यादा प्रपोज इसीलिए कर रहे हैं कि लाइक जैसे मैंने कहा UBL HBL, तो अगर वो जो शायद भाई भी कह रहे थे 0.6 के अगर प्राइस टू बुक पे है तो शायद ये अपने डिकेड लोज पर हैं ये वैल्यूएशंस. तो वैल्यूएशंस पे बहुत अपसाइड हैं. यस, नियर टर्म अर्निंग्स में रिस्क्स हैं. अभी जैसे दिसंबर जून के रिजल्ट्स आएंगे आपके पास, तो उसमें बैंक्स के रिजल्ट्स शायद पीक रिजल्ट्स होंगे. आगे थोड़ी सी निम कंप्रेशन थोड़ी बहुत ज़रूर होगी, बल्कि इनफैक्ट कुछ बैंक्स में शायद ज़्यादा होगी. जो ज़्यादा मार्जिन सेंसिटिव थे उनकी निम कंप्रेशन ज़्यादा होगी, जो मार्जिन सेंसिटिव कम है. जैसे बड़े बैंक्स अगर आपने देखा हो तो पास्ट में रैली भी नहीं करते थे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे. उसका रीज़न यही था कि बड़े बैंक्स के पास इतने मार्जिन सेंसिटिव निम्स थे ही नहीं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से उनको इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था, तो अब गिरने से भी इतना नुकसान नहीं होगा. बट हाँ, जो मिड टीयर बैंक्स हैं उनमें आपको रिस्क हैं, डेफिनेटली हैं, जो कि हम रिपोर्ट करते रहते हैं. तो स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन जो है वो सिलेक्टिव स्ट्रैटेजी, आई थिंक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हर सेक्टर में. लाइक विद इन ऑयल एंड गैस, अगर आप मारी पेट्रोलियम या POL हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है तो वो इस इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में डेफिनेटली आउटफॉर्म कर सकते हैं. मारी इज़ अ कैश रिच ENP जो कि पावर को नहीं बेचता, जो कि आपके फर्टिलाइज़र को बेचता है. फर्टिलाइज़र की सेल्स कैश सेल्स होती है, तो उस तरह की कंपनीज़ में आपको रिस्क बहुत कम होता है कि आप दोबारा रिफॉर्म्स पे डिपेंडेंट नहीं है. जो स्टॉक्स वो शायद जल्दी चलेंगे, एंड आई एग्री कि रिफॉर्म्स का पेस थोड़ा स्लो है, बट आई थिंक विद IMF अब ये अगर तो रिफॉर्म्स का पेस बढ़ जाए तो आई थिंक मार्केट रैली आपको ब्रॉड बेस भी मिल सकती है. थैंक यू सतीश. नाज़रीन, हम यहाँ एक लेंगे वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद शाहिद साहब और सतीश दोनों से
इनका आखिर में व्यू लेंगे, व्हाट इज़ देयर टेक ऑन द मार्केट आउटलुक, अगले क्वार्टर में ये मार्केट को कैसे देखते हैं, और एंड देन वी विल एंड द प्रोग्राम. सो लेट्स टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. प्रोग्राम से पहले हम वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे रिगार्डिंग दी मार्केट आउटलुक, फ्यूचर में अगला क्वार्टर कैसा दिखता है. तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे शाहिद साहब से. शाहिद साहब, आप बताइए आपको नेक्स्ट क्वार्टर कैसा दिखता है, और उसके बाद फिर हम सितेश का व्यू लेंगे. जी जी सानी साहब, मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा रहेगा. जिस तरीके से जो है जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के बाद से मार्केट 1200-1300 पॉइंट बढ़ चुकी है, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा. और बहुत सारे जो लार्ज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, बैंक्स हो गए, ये सब जो है मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे इक्विटीज में, बिकॉज उनके पास जो है यही प्रिफर्ड एसेट क्लास अब हो गया है. तो उसमें इन्वेस्ट अच्छा खासा करेंगे, और उसमें और मार्केट के मल्टीपल भी बड़े अट्रैक्टिव हैं. आई मीन मार्केट इज ट्रेडिंग एट अराउंड 6.9 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, और तकरीबन 6.5% की डिविडेंड यील्ड भी है. और उस वक्त जब आपका डिस्काउंट रेट या टी बिल के रेट जो हैं वो 6.5-7% के दरमियान हो, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये क्वार्टर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकती है हमारी मार्केट के लिए. क्योंकि हो सकता है कि 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा साइकिल थोड़ा मूव हो, तो मेरे ख्याल से ये 3 महीने और 6 महीने परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट के लिए सबसे अच्छे रहेंगे. सितेश, आप बताइएगा कि ये 28,000 से 35,000 तक का जो सफ़र है, लोग कह रहे हैं कि करेक्शन इज़ काइंड ऑफ ओवरड्यू. आपको लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई कोई करेक्शन ड्यू है? आई थिंक देखिए, करेक्शन तो इन जनरल मतलब कैपिटल मार्केट्स में हेल्दी समझी जाती है. अगर कोई अगर हमें कोई 300-400 पॉइंट्स की अगर कल करेक्शन मिल जाती है तो दैट इज़ नॉट समथिंग जिसके लिए शायद परेशान होने की ज़रूरत है. या क्या मार्केट्स में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स बाय आउट कर रहे होते हैं, तो कुछ पार्टिसिपेंट्स अपॉर्चुनिटी का वेट भी कर रहे होते हैं. कभी कभी ये भी होता है कि आपके पास अगर मार्केट 400 पॉइंट पॉजिटिव है, सेम डे पे आपको मार्केट जो है 300 पॉइंट प्लस भी मिलती है. तो वोलेटिलिटी तो इज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, उससे शायद आप नहीं बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए, मतलब घबराना नहीं चाहिए उस पर. शायद ये कह सकते हैं हम कि उससे घबराना नहीं चाहिए. बट जो अगर आउटलुक की बात करें नियर टर्म क्वार्टर का, आई थिंक फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो आएंगे अभी बैंक्स और फर्टिलाइजर्स के हाफ ईयर आएंगे, ENPs और बाकी सीमेंट वगैरह के फुल ईयर आएंगे जो जून एंडिंग कंपनीज हैं, तो आई थिंक रिजल्ट्स भी काफ़ी की होंगे सेंटिमेंट गाइड करने के लिए. क्योंकि जैसे बैंक्स हैं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर आएगी इस क्वार्टर, लेकिन वो पीक क्वार्टर होगा. उसके बाद से अर्निंग्स जो लो इंटरेस्ट रेट का इंपैक्ट है वो लैग से आता है. जैसे हाई इंटरेस्ट रेट का लैग से आ रहा था, तो लो का लैग से आएगा, तो वो हमें इन सबसिक्वेंट क्वार्टर्स दिखेगा. तो आई थिंक इस क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी ट्रिकी होंगे, जो कि शायद रिवर्स होंगे आगे जिस तरह होने जा रहे हैं रिजल्ट्स. तो दिस क्वार्टर रिजल्ट्स विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू स्विच पोर्टफोलियोज, और उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी. वोलेटिलिटी थोड़ी बढ़ भी सकती है, और आई फील के ट्रेंड तो वो बुलिश तरफ ही रहेगा. यू थिंक 40K का लेवल मार्केट इस क्वार्टर में देख सकती है? आई थिंक 10% रिटर्न इज़ अ रियलिस्टिक अजम्पशन. तो मेरा ख्याल है 37-38 तक का, 36-37 तक का आप देख सकते हैं रिटर्न. ओके ग्रेट. सो मिस्टर सतीश और ब्रदर शाहिद, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट. नाजीन, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. सतीश थैंक यू, एंड शाहिद साहब थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी. नाजीन, PIA गुज़िश्ता दिनों से डिस्कशंस में है, और वजह है वज़ीर हवाबाजी का बयान जिसमें उन्होंने बताया कि 40% से ज़्यादा पायलट्स जो हैं उनके लाइसेंसेस जाली हैं. बात यहीं पे नहीं रुकती. PIA की फ़्लाइट्स पर यूरोप में, अमेरिका में और चंद मुल्कों में पाबंदी लग जाती है, और आखिर में वही बात होती है जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों में कोई आधे दर्जन से ज़्यादा मरतबा हो चुकी है, यानी PIA का महंगा तरीन रोज़ वेलवेट होटल. ये कहा जाता है कि हर आने वाली हुकूमत के साथ 1-2 लोग ऐसे ज़रूर आते हैं जिनकी नज़रें इस होटल पर होती हैं. नाज़रीन, बात यह है कि इस होटल के बारे में ये कहा जाना कि इसको इन दिनों में PIA की माली मुश्किलात को दूर करने के लिए बेच देना चाहिए,
ये बात सरासर गलत और कुछ लोगों के कहने के मुताबिक बददियानती पर मबनी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारी दुनिया में और ख़ास तौर पे इस इलाके में जहाँ पर रोज़ वेलवेट होटल वाक़ है, यहाँ पे 35 से 40% प्रॉपर्टीज़ की प्राइसेस जो हैं वो गिर चुकी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस होटल को किसी बाहर के गाहक को नहीं बेचा जाएगा, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को नहीं बेचा जाएगा, बल्कि इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि EOBI या स्टेट लाइफ को ये जगह थमा दी जाए। ऐसे में हम जानते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशंस पर किसका कितना असर व रसूख होता है, लिहाजा हमारा कहना ये है कि इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि ये इदारे यानी स्टेट लाइफ और EOBI जिनके पास टन्स ऑफ मनी है, ये PIA को तैयार फराहम करें, ये PIA को लीज़ लाइफ करने के लिए फंड्स फ्राहम करें, ये PIA को कर्ज़ा दें, बजाय इसके कि PIA के एसेट्स को औने पौने दामों बेचा जाए। जो सरकारी मालियाती इदारे हैं, कैश रिच इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए और उनके फंड्स को इस तरफ मोबिलाइज़ किया जाए। नाज़रीन, वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते किसी नए मौजू के साथ बातचीत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।